सबसे पहले आप सब प्रेस के साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं पीछे के साथियों से कहूंगा थोड़ा सा दूर हो जाएं, ये प्रेस से जो पीछे लोग हैं दूर हो जाएं, ये प्रेस से जो पीछे वो दूर हो जाएं, पीछे हो जाएं, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे, प्रेस के लोगों को बचा लेना, थोड़ा सा दूर हो जाओ, पीछे हो जाओ। ऐसा दाएं तरफ भी मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। सुखवीर जी पीछे हो जाओ। ये मोबाइल न्यूज पीछे हो जाओ। मैं अपने मोबाइल रहने दो बेटा, मोबाइल मैं अपने प्रेस के सभी लोगों का बहुत धन्यवाद देता हूं। ये जीत मैनपुरी के मतदाताओं की जीत है, ये जीत जहां मैनपुरी के मतदाताओं की जीत है, वहीं नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का भी काम मतदाताओं ने किया है। ये जीत नकारात्मक राजनीति करने वालों के खिलाफ मतदाताओं ने मतदान किया है। ये मैनपुरी की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं, जो मेल जोल की राजनीति को उन्होंने समर्थन किया है। मैनपुरी की जनता ने नकारात्मक
राजनीति करने वालों को पीछे छोड़ने का काम किया है। मैं मैनपुरी के एक एक मतदाता जिसने वोट डाल करके नेताजी को श्रद्धांजलि दी है, मैं सभी का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जहां मैं पार्टी के संगठन के लोगों का, हमारी पार्टी के जो सेक्टर के लोग, जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता, जिनके प्रयास मेहनत से समाजवादी पार्टी को ये ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है, मैं अपने पार्टी के रामचंद्र राजभर जी, लालजी वर्मा जी से लेकर के जो वरिष्ठ नेता, चाहे उसमें राम गोविंद चौधरी रहे हों, बलराम यादव जी, इन सभी नेताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। वहीं मैं देख रहा हूं बहुत सारे हमारे पार्टी के और आम लोगों ने जिस तरीके से समर्थन दिया है, मैं उनका आभारी हूं। वहीं ये संदेश ये देता है कि नकारात्मक राजनीति कभी सफल नहीं हो सकती है। नेताजी ने हमेशा लोगों को जोड़ करके, लोगों को आपस में एक दूसरे का सम्मान करके, वही भाईचारा को लेकर के जो नेताजी ने राजनीति की है, उसका समर्थन जनता ने किया है। इसलिए मैं एक बार फिर मैनपुरी के मतदाताओं का धन्यवाद देता हूं। नेताजी ने जिस तरीके से विकास किया था, जिस तरीके से मैनपुरी को आगे बढ़ाने का काम किया, हम समाजवादी लोग मिलकर के उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वही जिस तरीके से प्रशासन ने और सरकार के इशारे पर जिस तरीके से दबाव बनाना चाहते थे, लेकिन मुझे खुशी है कि जनता ने उस दबाव को नहीं माना, नेताजी को याद करके एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में डालने का काम किया है। जहां हम आज मैनपुरी में जनता का धन्यवाद देते हैं, वहीं खतौली और आरएलडी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो जीते उनको भी बधाई देता हूं। हमें दुख है इस बात का कि रामपुर में पहले तो वोट नहीं डालने दिया और जबरदस्ती जितना अन्याय कर सकता था प्रशासन, वो अन्याय किया। उसके बाद भी जनता निकल करके बाहर आई, मतदान किया उन्होंने। लेकिन मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से रामपुर में पहले दिन से ही ये जनता ने तय किया था कि हम आदरणीय आजम खान साहब के साथ खड़े होंगे, उन्होंने करके दिखाया और वोट डाल करके दिखाया। अगर वहाँ पर फेयर इलेक्शन होता, वहाँ पर प्रशासन अगर जबरदस्ती नहीं करता, तो अभी तक की सबसे बड़ी जीत रामपुर की होती। मैं एक बार फिर मैनपुरी की जनता का धन्यवाद देता हूँ, जो मैनपुरी के मतदाताओं ने जो जीत दिलाई है, जो सच्ची श्रद्धांजलि दी है नेताजी को, मैं उसका आभार प्रकट करता हूँ। डिंपल यादव को जो जिताया, ऐतिहासिक वोट दिया, मैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई, और समय समय पे हमारे प्रेस के लोगों ने भी सहयोग किया, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। ये मैनपुरी कहीं ना कहीं संदेश दे रहा है 2024 के लिए। इस चुनाव के परिणाम ने समाजवादी पार्टी के एक एक नेता कार्यकर्ता को ऊर्जा देने का काम किया है। इस चुनाव के परिणाम ने 2024 के लिए संदेश दिया, वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं को जोश और उनको ऊर्जा देने का काम किया है। वहीं जनता को ये भरोसा भी है कि जो लोग महंगाई बढ़ा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, और जिनकी सरकार में बड़े पैमाने पर गरीब और शोषित पीड़ित लोग हैं, उनके खिलाफ जो लगातार साजिश हो रही है, और इस मौके पर मैं धन्यवाद दूंगा, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपने थे, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सपने थे, एक बार मैनपुरी की जनता ने वो कर दिखाया। जहां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी दोनों मिलकर के काम करना चाहते थे, मैनपुरी के मतदाताओं ने कम से कम ये दिखाया है कि जो विचारधाराएं थी, उस विचारधारा पे चल के ही सफलता मिलेगी।
बहुत कोशिश की प्रशासन ने, आप भी जानते हैं, हमारे तमाम नेता कार्यकर्ताओं को पुलिस रात भर ढूंढती रही, एजेंट न बन जाएं ये साजिश रचते रहे। जसवंत नगर के ब्लॉक प्रमुख, उसके घर दबिश पुलिस कूद गई बाउंड्री पार करके, वहां पर तो मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा जसवंत नगर के विधायक चंद्रशिवपाल यादव जी को, जो मौके पर पहुंचे, कम से कम मनोबल बढ़ाया। मुझे खुशी है कि जसवंत नगर ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। वहीं करेल की विधानसभा का धन्यवाद देता हूं मैं, किसनी की विधानसभा के अपने नेता कार्यकर्ता और जनता का धन्यवाद देता हूं। भूगांव की जनता ने जो समर्थन दिया है, हम भूगांव की जनता को भी बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि जिस तरीके से सबने मिलकर के पार्टी को जिताया है, हम उनका सम्मान करने का काम करेंगे। मैनपुरी, करहेल, किसनी, भूगांव, इन सब ने मिलकर के और जसवंत नगर ने जो ऐतिहासिक जीत लाई है, उसके लिए मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खुशी है ये पीछे के ये फोटोग्राफर जो मोबाइल वाले हट जाओ पीछे मोबाइल वाले, ये मोबाइल वाले जो हैं हट जाइए पीछे हट जाओ पीछे मोबाइल वाले पीछे हटो पीछे हट जाओ मोबाइल वालों पीछे हटो मोबाइल पीछे हटो। मैं एक बार फिर मैनपुरी के मतदाताओं ने जो ऐसा ऐतिहासिक जीत दिलाई है, मैनपुरी के मतदाताओं की जीत ही सच्ची श्रद्धांजलि नेताजी को दी है। जो नेताजी ने मेलजोल की, भाईचारे की, स्वार्थ की राजनीति की है, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उनके दोनों के सपनों को जो नेताजी ने रास्ता अपनाया, उसी रास्ते पे हम लोग चलेंगे। और जिस तरीके से मैनपुरी की जनता ने मान सम्मान बढ़ाया है, हम सब लोग मिलकर के मैनपुरी की जनता का मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। 2024 के में जो ये परिणाम है, इसने एक नई ऊर्जा दी है। 2024 के लिए नया रास्ता खोला है, नई ऊर्जा दी है कार्यकर्ताओं को, नेताओं को और जनता को। मुझे खुशी है कि आज आदरणीय शिवपाल चाचा जी, उनका भी दल समाजवादी पार्टी में साथ आ गया है और अब एक ही झंडे के नीचे सब लोग काम करेंगे। आगे की रणनीति है कि जो महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी है, और हमारा किसान जो दुखी है, जो किसान की तकलीफ और परेशानी है, उसको कैसे दूर किया जाए। नौजवानों, मोबाइल टीम पिछड़ो, ये समय नहीं फिर देखेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद।